चलिए बेटा अब इधर भी पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ना है जो चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखा, ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसी को हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन। फाइटो मीन्स प्लांट और हार्मोन है ये। इतना साफ साफ लिखता हूं तब भी, ठीक है, फाइटो हार्मोन है ये। कह रहा है कि डेवलपमेंट प्लांट में इसका क्या रोल है, हार्मोन जो है उसका क्या रोल है प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। जैसे हम लोगों में भी हार्मोन है, प्लांट में भी पाया जाता है हार्मोन। कह रहा है कि क्या फंक्शन होता है इसका, पहले कह रहा है ये ग्रोथ करवाएगा फिर डेवलपमेंट करवाएगा। ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, तो सेल डिवीजन होगा तो टिश्यू बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना, तो आपने तो दोनों चीज से भी बता दी। ग्रोथ का मतलब होता है कि उसका नंबर इंक्रीज कर, मास, मास का इंक्रीज होना, ठीक है। अगर उसका मास इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, या सेल डिवीजन कर रहा है तब भी हम उसका क्या कहेंगे, ग्रोथ हो रहा है। पहले चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ा था इसमें लिविंग वर्ल्ड में कि ग्रोथ क्या होती है। अगर मास बढ़ रहा है तब भी हमने कहा था, अगर नंबर बढ़ रहा है तब भी हमने कहा था, ठीक है। अगर डिवीजन हो रहा है तो कह रहा कि अगर कोई सेल है इस तरीके से जिसको हम क्या कहते हैं, कैलस, ठीक है, ये कैलस है। कह रहा कि जो कैलस है इसके ऊपर दो जगह होते हैं, एक तो सूट एपिकल मेरिस्टम होता है, एक रूट, जो मेरिस्टमेटिक सेल है वही क्या करते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं, वही डिवीजन करवाते हैं। कह रहा है कि जब सूट का होगा, कह रहा है इसका जब डेवलपमेंट होगा तो ये किस पार्ट में करवाएगा, रूट में, रूट में जब होगा तो ये क्या करवाएगा, रूट हेयर का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। कह रहा कि अगर सूट में होगा तो क्या होगा, लीफ फ्लावर इन सब का करवाएगा, ये क्या है, डेवलपमेंट है, ये उसका डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि अब वो क्या डेवलप कर गया। अपने भाषा में क्या कहते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समझदार होता चला जा रहा, मतलब मेंटली प्रिपेयर हो रहा है, जो सबने अभी तक कोशिश की बताने की वही चीज था कि उसी को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट। कह रहा कि उसी के इंट्रोडक्शन का हमें देखना है, ग्रोथ का। कह रहा कि व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, कह रहा है कि अगर ग्रोथ हो जाए तो वो क्या होती है, रिवर्स नहीं होती है। एक बार कोई चीज बढ़ गया तो वो चीज क्या होगी, छोटा नहीं कर सकते आप, ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, इरिवर्सिबल या परमानेंट।
कह रहा है ये कौन सा है, परमानेंट, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि उसका जो पार्ट है, ऑर्गेनिज्म हो या सेल हो, दोनों क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते हुए चलते, मतलब वो ग्रोथ करता हुआ जा रहा है। मास उसका इंक्रीज करे या सेल, दोनों चीजें अगर उसकी इंक्रीज कर रही है तो उसी को हम क्या कह रहे हैं कि उसकी ग्रोथ हो रही है। सेल का मतलब सेल डिवीजन, अगर सेल डिवाइड कर रहा है या उसका डिवीजन हो रहा है तो क्या कर रहा है, प्रॉपर ग्रोथ करता हुआ जा रहा है। ये प्रॉपर्टी पाई जाती है किसके पास, मेरिस्टमेटिक सेल जो होते हैं उन्हीं के पास होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं बार बार, उनके पास दो तरह के ग्रोथ करने की क्षमता होती है। एक तो कराते हैं कहां पाया जाता है, टिप पे, किसके, प्लांट ही की बात हो रही, उसी के टिप पे, एक उसके टिप पे पाया जाएगा और उसके रूट वाले, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। चाहे रूट वाले पोर्शन पे मिले चाहे शूट वाले, अगर इसमें ग्रोथ हो रही है तो उसकी क्या आप देखते हैं कि उसकी लंबाई बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ। जैसे आप बढ़ते हुए जा रहे हैं तो आपको क्या कहा जा रहा है, ग्रोथ हो रही है आपकी, उसी तरह प्लांट की भी हो रही है। कह रहा कि अगर प्लांट है, ठीक है, तो वो उसमें क्या पाया जाती है, वैरायटी ऑफ टिश्यू। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चाहे एपिकल चाहे एपिथेलियल टिश्यू हमारे रहे हों, ठीक है, चाहे पैरेन्काइमेटस हों चाहे कोलेन्काइमेटस हो, सारे के सारे टिश्यू क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उसको डिवाइड करते रहते हैं, कोई उसका क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। वही कह रहा है कि अगर हम इनका देखें रिलेशनशिप बिटवीन, देखें स्ट्रक्चर और सेल के बीच में, टिश्यू का, ऑर्गन का, फंक्शन का, एक सेल है, सेल से हमारा क्या बनता चला जाएगा, टिश्यू, टिश्यू से ही हमारा ऑर्गन, ठीक है, इसी तरीके से पूरा बनते चला हुआ जा रहा है। कह रहा है कि एक सेल से पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म बन जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट हो गया उसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा हो गया, ठीक है। सेल से टिश्यू में जाएगा, सारे टिश्यू क्या होंगे, एक साथ फिर इकट्ठा हो करके आर्गन बनाएंगे, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनाएंगे, आर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, जिस तरीके से दीवारें बनती हैं। कह रहा है कि जो सेल हैं ये कैसे करते हैं, आपने क्या देखा कि एक जाइगोट है हमारा, ठीक है, जाइगोट से पहले कुछ है या इसके ऊपर, जाइगोट के बाद क्या आएगा, एम्ब्रियो। कह रहा क्या आया हमारा, एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना ही क्या कहा जाता है, अगर कोई चीज बन रही है तो वहां पे जो वर्ड यूज होगा वो जेनेसिस यूज होगा, और अगर किसी की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें लॉजी लगाते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हैं, अगर कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे जेनेसिस हो रही है, मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना ही क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के जब ऊपर हम आते हैं तो यहां पे क्या होता है, एक सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, अगर सीड हमें दिख रहा है, एक मैच्योर सीड दिख रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योर ओव्यूल। वही क्या है हमारा, मैच्योर ओव्यूल है। अगर ये मैच्योर ओव्यूल हो गया है, यही आगे चल करके क्या कराएगा, धीरे धीरे सेल डिवीजन होते चले जाएंगे, प्लांट की ग्रोथ होती चली जाएगी, लास्ट में कहां पहुंचेंगे, सनेशन वाले स्टेज, मतलब बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा होने के बाद में क्या होगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है।
कह रहा है कि जाइगोट से डेथ तक क्या है उसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल होती है प्लांट की। जाइगोट से इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से सीड बनेगा, सीड उसका ग्रोथ होता चला जाएगा, ठीक है, सीडलिंग बनेंगे, सीडलिंग के बाद उसमें सारे के सारे फूल पत्ती सारी चीजें आएंगी, उसका डेवलपमेंट होगा, फिर सनेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्लांट हमारा बूढ़ा होगा, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। ये पूरी की पूरी उसकी लाइफ साइकिल होती है एक सीड से लेकर के प्लांट की। शुरुआत कहां से हुई? जाइगोट से। करा ये देखिए, ये क्या हो रहा है, ये बढ़ते हुए जा रहे हैं, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है। ये देखो फूल पत्ती सीड सब आ गए, अब अपने बुढ़ापे की तरफ ये जा रहा है, जब फल देने लगे तो समझ जाओ कहाँ जा रहा है, बुढ़ापे की तरफ। ये है उसकी पूरी लाइफ साइकिल। यहाँ पे अगर हम जाइगोट से देखें इसको, ठीक है, यहाँ पे क्या एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो के बाद में जो ये सीड रखा हुआ है, ये अब कह रहा है कि इसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब अब ये क्या कर रहा है, जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो गया है। जब ये जर्मिनेट करता है उसके बाद वाली स्टेज को ही हम क्या कहते हैं, सीडलिंग, ठीक है, सीडलिंग के बाद ऐसे सारी चीजें दिखती जाएंगी, ये उसका डेवलपमेंट हो गया। जब ये चीजें हो जाएंगी आगे चल करके इसमें क्या होगा, सनेशंस आएंगे, सनेशंस के बाद क्या आएगा, ये पूरी उसकी लाइफ साइकिल है, सीड से लेकर के पूरा उसका लाइफ साइकिल, कहां तक, जब तक वो पौधा जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट से सीडलिंग स्टेज में जाएगा, सीडलिंग स्टेज से बूढ़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा, यही उसकी पूरी पूरी लाइफ साइकिल है। देखिए जो आपने ग्रोथ कहां देखा, ये वाले पोर्शन पे और ये वाले पोर्शन पे, दो जगह से क्या हो रहा है, प्लांट हमारा बड़ा हो रहा है। ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं, सूट एपिकल मेरिस्टम, यही है हमारा, और ये नीचे वाला ही रूट एपिकल मेरिस्टम है, यही दोनों रिस्पांसिबल है उसके ग्रोथ के लिए। इन्हीं में क्या होता है, सबसे ज्यादा मेरिस्टमेटिक सेल पाए जाते हैं, इसीलिए क्या कर रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है। अगर इसको कट कर दिया जाए, कहीं कहीं आप देखते हैं प्रूनिंग की जाती है, ठीक है, आप किसी पार्क में जाइए तो देखिए, या कि स्कूल में क्या होता है, आसपास ऐसे लगा रहते हैं, पूरा झाड़ी की तरह बना होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको ये वाला पोर्शन अक्सर नहीं दिखेगा, यही बार बार कट किया जाता है। जब इसको कट किया जाएगा तो क्या होगा, लेटरल मेरिस्टम उसके क्या होंगे, ग्रोथ होंगे, एपिकल मेरिस्टम उसका कट जाएगा, लंबाई उसकी छोटी हो जाती है, और क्या होगा, लेटरल मेरिस्टम उसका बड़ा होता चला जाता है, इसीलिए क्या होता है, वो झाड़ी नुमा बनता हुआ चला जाता है। पहले सिंगल सिंगल लगे रहते हैं, फिर इसकी प्रूनिंग बार बार उसी को काटा जाता है, उसके लेटरल जो बड़ है वो निकलने लगते हैं, लंबाई उसकी छोटी हो जाती है, ये वाले बढ़ती चली जाती है लेटरल वाले। कह रहा वही चीज एसेंशियल है ये सारे काहे के लिए, डेवलपमेंट करवाने के लिए, यही कह रहा कि जाइगोट से लेकर के पूरा कहां तक आए हमारा, जो इवेंट हुए हैं पूरे डेप्थ तक चले जाए, इसी को हम पूरी पूरी उसकी लाइफ साइकिल कहते हैं। कह रहा है ये प्रोसेस जो होती है कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर उसको सुटेबल चीजें नहीं मिलेंगी, सुटेबल चीजें नहीं मिलेंगी तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करवाएगा। अगर वाटर की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, टेम्परेचर की कमी हो जाए, ठीक है, या ग्रेविटी ना मिले उसको प्रॉपर, तो क्या होगा, वो चीज डेवलपमेंट नहीं होगा उसका, ना ही प्रॉपर ग्रोथ होगा। इसीलिए क्या किया जाता है, कभी कभी प्लांट को धोखे में रखा जाता है, डॉर्मेंसी रोकी जाती है उसकी, या कभी कभी प्लांट को क्या किया जाता है, जो सीड हमारा होता है, सीड को क्या किया जाता है, डॉर्मेंसी स्टेज में रखा जाता है, कि वो क्या करे, अपने टाइम पे ही ग्रोथ करे। अपने टाइम का मतलब
जब हम उसको फेवरेबल कंडीशन दें तभी वो ग्रोथ करे। उसको अगर कोई सीड है हमारा प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या किया जाता है, भिगा दीजिए उसको। भिगाने के बाद में उसको रख दीजिए, वो क्या करेगा, ग्रोथ कर जाता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, पूरी चीज़ें होती है जो फॉर्म करता है उसमें, कह रहा है रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा, ब्रांचेज आ जाएंगे, फ्लावर आ जाएंगे, फ्रूट आ जाएंगे और सीड भी आ जाएगी। ये सारी चीज़ें उसमें चलती हैं उसके डेथ तक, जायगोट से जब तक वो बच्चा या हमारा प्लांट जो है वो मर ना जाए तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये एक कदम और आगे से बताया, इसने कहा स्पर्म आया और यह गाया, ये दोनों मिलकर के जायगोट बनाया। अब ये जायगोट से आगे चल करके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से ये पूरा पूरा सीड बनेगा, ये आगे चल करके सीडलिंग बनाएगा, सीडलिंग से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये देखिए ये पूरा बना हुआ। सीड क्या है, सेकंड सभी लोग, कह रहा कि अगर ग्रोथ इंक्रीज कर रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, तो पार्ट क्या कहलाता है, लास्ट में दिखाए थे गुरु, कह रहा कि ग्रोथ क्या है, कह रहा कि ये फंडामेंटल है, ठीक है, किसका, कोई सीड है वो क्या करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद जो भी चीजें बनेंगी उसको, उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ। जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगा उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो कोई छोटी चीज है क्या होगी, धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा है। कह रहा ये उसका, कोई भी लिविंग बीइंग है, अगर कह रहा कोई भी जिंदा दिल इंसान है तो उसके अंदर क्या मिलेगी, ग्रोथ। अब स्पर्म आया, एग आया, जायगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, तो बढ़ा दो, ठीक है। कह रहा है कि इसमें क्या होती है, प्लांट में कह रहा है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी और एनिमल में कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं होती है, ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी, जब तक प्लांट मर नहीं जाएगा तब तक वो ग्रोथ करता रहेगा, लेकिन इंसान के पास वो चीज नहीं है, वरना पता चलता कि दीवार से कहाँ टच कर रहा है, छत पे, धीरे धीरे बढ़ता जाता हाइट उसकी बढ़ती जाती, या यहाँ से फिर उसको काट दिया जाता कि लेटरल मेरिस्टम उसके बड़े हो। कह रहा कि ग्रोथ क्या है, वही चीज, इरिवर्सिबल है, परमानेंट इंक्रीज है, किसमें, साइज उसका इंक्रीज कर जाए किसका, चाहे ऑर्गेनिज्म का हो या किसी पार्ट का हो। कह रहा है एरिया उसका बढ़ जाए, जैसे लीफ है, लीफ का एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, अगर आप कोई चीज देखें तो ड्राई बेड भी उसका बढ़ता चला जाएगा, फ्रेश बेड भी उसका बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। कह रहा है किसी भी इंडिविजुअल सेल का अगर आप देखें तो उसमें क्या होगा, उसका साइज बढ़ता हुआ चला जा रहा है, यही उसकी क्या कहलाएगी, ग्रोथ। कह रहा कि जब ग्रोथ होती है तो वहां पे क्या होता है, यूज एनर्जी,
एनर्जी यूज होती है, ठीक है, इसका मतलब इसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। जब भी एनर्जी यूज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म में इसमें दोनों होते हैं, एनाबोलिक प्रोसेस और कैटाबोलिक प्रोसेस, दोनों प्रोसेस होते हैं इसमें। इसमें दोनों प्रोसेस होंगे, चाहे एनाबोलिक प्रोसेस हो या कैटाबोलिक प्रोसेस हो, एनर्जी यूज होती है। ये कह रहा कि मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों प्रोसेस हो रहे हैं इसमें। कह रहा कि एग्जांपल देखिए, कह रहा कि लीफ का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। लीफ क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब उसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एरिया उसका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लीफ का क्या होगा, एरिया क्या किया, इंक्रीज कर गया। अगर कोई चीज बढ़ गई तो उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ, कैसे भी बढ़े, ठीक है। कह रहा है कि अगर आप देखें कोई चीज स्वेलिंग हो जा रही है उसके पीस में, वुड में, इसको हम वाटर में रख दे। कह रहा है कि अगर कोई लकड़ी है उसको हम कहाँ रख दें, वाटर में, पानी में, अगर उस लकड़ी को हम क्या करें, डाल दें, तो क्या होगा, वो क्या कर जाएगा, स्वेल करेगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, यही चीज हो जाएगी उसमें, वो स्वेल कर जाता है, क्योंकि वो पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने। जब पानी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तभी वो स्वेल किया, इसका मतलब वो इंक्रीज कर गया। ये देखिए ये लकड़ी है, इसको पानी में डाल दीजिए, ये धीरे धीरे क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। ये लकड़ी का गुटका है, पानी में डाल दो, धीरे धीरे स्वेल कर जाएगा, जैसे किशमिश को डाला था। करा कि प्लांट ग्रोथ जनरली कैसे होते हैं, इनको इनडिटरमिनेंट कहा जाता है। क्या है, करा कि ग्रोथ क्या है, एक यूनिक फीचर है, ठीक है। ग्रोथ क्या है, इनकी यूनिक फीचर है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, और ये कहाँ पे, सर्टेन लोकेशन पे होते हैं प्लांट के। कह रहा कि एक प्लांट है, एक प्लांट है, इसके सर्टेन लोकेशन पे क्या पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं उसके सेल डिवीजन के लिए, ग्रोथ कराने के लिए। जहां पे पाया जाएगा, अगर यहाँ पे पाया गया तो इसको एपिकल कहा जाएगा, यहाँ पे पाया गया तो ये रूट एपिकल, वो उसको शूट एपिकल, दोनों एपिकल पे ही प्रेजेंट होते हैं जितने भी ये मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, यही रिस्पांसिबल होंगे उसके ग्रोथ के लिए। कह रहा यही मेरिस्टेमेटिक जो सेल हैं, इन्हीं के पास कैपेबिलिटी होती है किसकी, डिवाइड करने के लिए। यही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नंबर इंक्रीज करेगा। जब नंबर इंक्रीज करेगा तो उनका साइज भी इंक्रीज करेगा, और इसी को हम क्या कह देंगे, ग्रोथ, ठीक है। वही कह रहा है कि इनके पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या सेल है, उसी से क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। डिवीजन होने के बाद में उनका नंबर बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, और यही ग्रोथ कहलाती है। अगर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है तब भी ग्रोथ ही है, नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए लिखा है कि चाहे इंडिविजुअल सेल हो चाहे इंडिविजुअल हो, दोनों चीजें एक से दो अगर हो रहा, कोई भी चीज, चाहे रिप्रोडक्शन से हो चाहे सेल डिवीजन से हो, तब भी हम उसको क्या कहेंगे, ग्रोथ। हम दो, हमारे दो भी माना जाएगा कि ग्रोथ हुई है। कह रहा यही क्या किया जाता है, न्यू सेल बनते हैं।
ठीक है, ग्रोथ होगी तो नए नए तो सेल बनेंगे, वही सेल रिस्पांसिबल होंगे आगे उसके नंबर बढ़ाने के लिए साइज में। कह रहा कि जो ये ग्रोथ हो करते हैं मेरिस्मेटिक सेल, इन्हीं को क्या कहा जाता है, ओपन। ये सेल्फ होता है, कोई कराता नहीं है, ये प्लांट अपने आप खुद करता है। जब जरूरत पड़ेगी किसी प्लांट को तब आगे चल करके इसमें क्या डाला जाता है, हार्मोन, कि कहाँ पे जरूरत है, किस चीज को क्या करना है। किसी के अगर डॉर्मेंसी रोकनी है, ठीक है, सीड की डॉर्मेंसी रोकनी है तो उसमें कौन सा हार्मोन हम ऐड कर दें, किसी का एपिकल बढ़ाना है तो उसमें कौन सा हार्मोन ऐड करें, किसी का अगर रूट का सिर्फ फॉर्मेशन करना है तो कौन सा हार्मोन डालें और किस रेशियो में डाला जाए, तो वो पार्ट क्या होगा उसका इंक्रीज करेगा। जैसे एंटीबायोटिक खाते हो कि कौन सी एंटीबायोटिक हमें खानी है, कौन सी डिजीज है आपके पास, सेम इसके पास है कि कौन सा पार्ट आपको इंक्रीज करवाना है। अगर रूट का कराना है तो रूट वाला डालिए हार्मोन, अगर एपिकल कराना है एपिकल वाला डालिए, और अगर आपको फ्रूट वाला कराना है कि जल्दी से पक जाए तो वो डाल दीजिए। कह रहा यही चीज होता है, डिवाइड किया जाता है मेरिस्मेटिक सेल। कह रहा कि अगर मेरिस्मेटिक सेल क्या हो जाए, सीज हो जाए। कह रहा कि अगर मेरिस्मेटिक सेल क्या हो, सीज हो जाए, तब क्या होगा। कह रहा कि अगर मेरिस्मेटिक जो सेल है वो सीज कर जाए तो क्या होगा, आगे ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगी वहीं से, मतलब डिवीजन करने की उसकी जो क्षमता है वो खत्म हो जाए। किसी वजह से उसके अंदर ऐसी चीज आ जाए, जैसे कोई चीज चल रहा है ट्रंकेटेड हो जाए, वहां से कोई चीज कट कर दिया जाए, गाड़ी चलते चलते सीज हो जाती है तो वहीं रुक जाती है। कह रहा कि एपिकल मेरिस्टम ऑफ रूट सूट यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, प्राइमरी ग्रोथ के लिए। कह रहा कि ये जो है एपिकल मेरिस्टम हमारे, ये किसके लिए होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ के लिए। कह रहा ये क्या करते हैं, लंबाई में इंक्रीज करवाते हैं इसकी, साइज में। कह रहा प्राइमरी ग्रोथ जब होगी तो क्या होगी, साइज इनकी बढ़ेगी, ठीक है, छोटा है बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो उसमें क्या होता है, उसका गर्थ बढ़ता है, हाँ, जिससे मोटा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कि प्लांट यही करता है, कंट्रीब्यूट करता है, उसका इलांगेशन करवाता है। कह रहा इसमें क्या हो गया, उसकी साइज बढ़ती चली जाएगी, लंबाई बढ़ती हुई चली जाएगी, वो इलांगेशन करता हुआ चला जाएगा जब ये प्राइमरी ग्रोथ होगी तब। कह रहा यही एपिकल मेरिस्टम है, यही क्या कर रहा है, उसकी लंबाई को बढ़ा रहा है, यही डिवीजन करवा रहा है, ठीक है, आगे चल करके ये सूट का फॉर्मेशन करवा रहा है। फिर एपिकल मेरिस्टम यही वाले हैं, अगर इनको कट कर दो तो ये वाली चीजें और बढ़ती हुई चली जाएंगी। लेकिन इसको क्या कहा गया है, प्राइमरी ग्रोथ। कह रहा है कि डाइकॉट जो प्लांट हैं, कह रहा है जो डाइकॉट प्लांट होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म, कह रहा है कि उनमें क्या होता है, जो लेटरल मेरिस्टम होते हैं, जो लेटरल वाले होते हैं ये वाले पार्ट, ठीक है। कह रहा है या वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं या कार्क कैम्बियम होते हैं, यही क्या करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे, यही क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं, चाहे हमारा वैस्कुलर कैम्बियम हो चाहे हमारा कार्क कैम्बियम हो, यही क्या करवाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। कह रहा यही क्या करते हैं, जो मेरिस्टम होते हैं यही इंक्रीज कराते हैं ग्रोथ के ऑर्गेनिज्म, और यही एक्टिव रहता है। कह रहा जब ग्रोथ हो जाएगी उसकी, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और ऑर्गेनिज्म
ऑर्गन सिस्टम बना लेगा और पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना, पूरा पूरा प्लांट हमारा बन जाएगा। कह रहा इसी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। अगर एपिकल मेरिस्टम करवा रहा है या रूट एपिकल मेरिस्टम करा है या सूट एपिकल मेरिस्टम करा रहा है तो उसको हमने क्या कहा, प्राइमरी। और अगर वैस्कुलर कैम्बियम करा रहा है, कार्क कैम्बियम हमारा करा रहा है या लेटरल मेरिस्टम करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। ये प्लांट के केस में, एनिमल के केस में नहीं है। एनिमल के केस में सेकेंडरी ग्रोथ दूसरी है, यहां पे दूसरा है। ये देखिए ये प्लांट है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्राइमरी ग्रोथ हुई है, बस इसमें देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ती हुई जा रही है। इसको क्या दिखा रहा है कि इस तरीके से आगे ही बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ में क्या दिखाएगा कि ये वाला पोर्शन इसका बढ़ रहा है, इसकी कमर बढ़ रही है, ठीक है, और लैटरल मेरिस्टम भी बढ़ रहे हैं प्लांट के। कह रहा कि प्लांट जब ग्रोथ करता है तो क्या उसको मेजर किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जाएगा मेजर, ऊंची टेप लगा दीजिए वो बढ़ेगा अपने आप, ऊंची टेप वो हिला वाला लगा दीजिए देखते ही हिला तो ये बात तो सही कह रहे हैं। ये बात तो सही है। कह रहा क्या होता है, उसका जो इंक्रीज करता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। पता कैसे हम लगाएंगे कि उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले तो हम उसकी साइज ही देख लेंगे कि कल छोटा था आज बड़ा हो गया, ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे, अगर लीफ है तो लीफ का क्या देखेंगे, सरफेस बढ़ता हुआ चला जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। ड्राई बेड भी बढ़ेगा, फ्रेश बेड भी उसका बढ़ेगा और एरिया भी उसका बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये सारी चीजें हैं पैरामीटर। कह रहा है इंक्रीज तो करता है उसका प्रोटोप्लाज्म, कि इंक्रीज जो करता है उसका प्रोटोप्लाज्म करता है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म को आप कैसे मेजर करोगे, प्रोटोप्लाज्म को आप कैसे मेजर करोगे। मेजर करने के लिए लीफ की साइज माप लो, ठीक है, उसको तुम देख लो, या प्लांट की हाइट देख लो, या उसका फ्रेश वेट देख लो कि इतने दिन में इतना हुआ था, इतने दिन में इतना होगा। वही कह रहा कि जब इंक्रीज कर जाता है उसका प्रोटोप्लाज्म तो ये डिफिकल्ट होता है मेजर करने के लिए डायरेक्टली, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि इसीलिए हम क्या करते हैं, मेजर उसकी क्वांटिटी, ठीक है, और यही लेस प्रोटोप्लाज्म जो है हमारा, यही क्या होगा, अगर हमारा सीड है इतना छोटा, हमने सीड को क्या किया, जर्मिनेट करने के लिए क्या किया, पानी में भिगा दिया। जब हम सीड को क्या करेंगे, एक ड्राई सीड है, मान लीजिए हमारा ड्राई सीड है, ड्राई सीड है, ड्राई सीड को हमने क्या किया, इस सीड को हमने क्या किया, पानी में डाल दिया। जब इस सीड को हम पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, ये सीड इम्बाइब होगा, इम्बाइबिशन करेगा, ठीक है, उस वो सोइलिंग करेगा। जैसे ये सोइलिंग करेगा उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, पानी से निकाल देंगे। पानी से निकालने के बाद में इसको प्रॉपर इन्वायरमेंट दे करके हम इसको ग्रो कराएंगे। जब इसको हम ग्रो कराएंगे तो यही सीड क्या करेगा, आगे चल करके जर्मिनेट करेगी, इसी को हम जर्मिनेशन कहेंगे। जब ये जर्मिनेट कर जाएगी आगे चल करके क्या बनाएगी, सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब उसमें आप देखेंगे तो वही नई नई जो जुबेनाइल लीफ होती है वही बनती है, लीफ भी नहीं होती है, लीव्स होते हैं पूरे पूरे, ठीक है, नए नए लीव्स आ जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सीडलिंग।
कह रहा हमने क्या देखा, एक ड्राई सीड से लेकर के सीडलिंग अगर बनी तो उसका साइज क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। अब इस सीडलिंग को हम क्या करेंगे, पूरा पूरा या तो वहां से हार्वेस्ट कर लें, उसको ले जल के हम क्या करें, उसका ड्राई वेट देख लें, उसका फ्रेश वेट देख लें, लीफ को देख लें कितना हुआ है, और फिर हम पूरा टोटल कर लें कि एक दिन में कितना कितना इसका बड़ा हुआ है साइज। तो ये कह रहा है कि जनरली इसको मेजर करते हैं वैरायटी ऑफ पैरामीटर, कई सारे इसके पैरामीटर हैं जो इससे हम इनको क्या करेंगे, मेजर करते हैं। कह रहा कुछ दिया हुआ है, कह रहा कि इंक्रीज कर जाएगा इनका फ्रेश वेट, दूसरा कह रहा है ड्राई वेट भी इंक्रीज करेगा, कह रहा लेंथ भी क्या होगा इनका बढ़ेगा, एरिया भी क्या होगा इंक्रीज करेगा, कह रहा वॉल्यूम भी उनका क्या होगा बड़ा होगा, कह रहा कि सेल नंबर क्या होगा इंक्रीज करेगा, ये भी क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, बार बार डिवाइड कर रहा है, जब डिवाइड करेगा तो उसका नंबर क्या होगा बढ़ेगा, फिर कह रहा कि उसका साइज भी इंक्रीज कर जाएगा। कह रहा कुछ पैरामीटर है जिससे हम पता लगा लेंगे, हम किसी चीज को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे कि जो सीड हमने लगाया था वो कितना ग्रोथ हुआ है उसका। कह रहा उसमें पैरामीटर क्या है, फ्रेश वेट, फ्रेश वेट क्या है और ड्राई वेट, ऑब्जर्व कर लिया जिसे आपने क्या किया, सीड लगाया, जब वो सीडलिंग हो गया तो आपने क्या किया, उसको हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट जैसे किया तैसे उसका वेट आपने ले लिया, तुरंत उसका क्या किया आपने वेट ले लिया, उसी को क्या कहा जाएगा, फ्रेश वेट। जब उसको आपने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, जो हार्वेस्ट करके पार्ट लाए थे उसको आपने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया। जब आप रूम टेम्परेचर पे उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर जो वाटर है वो क्या होगा, पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो वो क्या होगा, उसका वही ड्राई वेट क्या हो जाएगा, जो उसमें वाटर था वो सारी चीजें निकल गई, बचा क्या उसका ड्राई वेट। कह रहा है कि लेंथ, लेंथ क्या होगा, उसका बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि सीड से हमारा पूरा सीडलिंग बना है तो उसका लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। आप मेजर कर लीजिए, स्केल से जाकर के मेजर कर सकते हैं इसको, आप एक स्केल ले लीजिए उससे मेजर कर लीजिए, ठीक है। एक सीड को अगर लगाया आपने तो उसको मेजर कर सकते हैं किससे, एक स्केल से। दूसरा कह रहा है कि उसका एरिया भी बढ़ता चला जाएगा, वॉल्यूम भी, सेल नंबर भी बढ़ते चले जाएंगे, और साइज भी उसकी इंक्रीज करती हुई चले जा रही। कह रहा है ये कुछ पैरामीटर है जिससे हमें पता चलता है कि सीड हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। कह रहा है कि अगर आप देखें किसका, मेज का, कह रहा है इसका रूट एपिकल मेरिस्टम जो है, मेज का रूट एपिकल मेरिस्टम जो है, कह रहा है कि ये क्या करता है, डिवाइड कितने तेजी से कर रहा है, 17,500 एक घंटे में इतना डिवाइड हो जाते हैं इसके सेल, एक घंटे में इतना डिवीजन करता है कौन सा, मेज हमारा, ठीक है। दूसरा देखें वाटरमेलन, कह रहा है ये क्या करता है, ये भी इंक्रीज करती है साइज, इसका कितना हो रहा है, 350,000 साइज इसका इतना तेजी से बढ़ता है। कह रहा है इसकी साइज बहुत तेजी से बढ़ती, आज आप देख करके आएंगे छोटा सा है, फिर जाओगे थोड़े टाइम बाद देख करके आओगे तो वो आपको क्या नेकेड आई से ही क्या दिखने लगेगा, बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है। इसका इतने तेजी से इतना टाइम डिवीजन है उसका, इतना तेजी से उसकी साइज बढ़ रही है। नंबर याद रखिएगा, मैं भी कभी पूछ ले। कह रहा यही उसका ग्रोथ है, यही हम एक्सप्रेस करते हैं, इंक्रीज हो जाता है उसका सेल नंबर, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा मतलब सेल डिवीजन हो गया है, अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो उसका सेल नंबर नहीं बढ़ेगा। कह रहा यही चीज जब एक्सप्रेस हो जाती है, ग्रोथ इंक्रीज कर जाता है उसका साइज, कह रहा कि सेल का साइज बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब इतने सारे थे, अब इतने सारे फिर से डिवाइड करेंगे, फिर उतने करेंगे,
दो तरीके का इसमें डिवीजन होता है, एक तो एरिथमेटिक डिवीजन होता है और दूसरा जियोमेट्रिक, जिसको हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दो तरीके के ग्रोथ होते हैं, जब जियोमेट्रिक ग्रोथ होगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और एक हमारा एरिथमेटिक होता है। एरिथमेटिक में एक बार सेल डिवाइड करेगी, एक ही सेल आगे 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 डिवाइड करता हुआ चला जाता है, एक डेड हो जाता है, एक ही करता है, सिंगल सिंगल करता हुआ जाता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आप क्या देखते हैं, सेल क्या करता है, पावर में डिवाइड करता है, 2 पे 2, 3 पे 3, ऐसे ऐसे करके क्या होगा, उसका डिवीजन होता हुआ चला जाता है। एक सेल करेगा, सेल दो बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ऐसे 16, 32, 64, ऐसे करते हुए, इसी को हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि सेल इतना तेजी से डिवीजन करता है। एक सेल है अचानक डिवीजन किया तो वो 2 लाख सेल बना देगा, तो उसी को क्या कहा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वही कह रहा कि ग्रोथ जो हुआ था उसका पॉलन ट्यूब, ठीक है, इसी को हम मेजर कर देते हैं उसके लेंथ के लिए। कह रहा कि डार्सो वेंट्रल, डार्सल साइड में और वेंट्रल साइड में, दोनों साइड में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। कह रहा इसको हम मेजर कर लेते हैं, इसमें क्या देखते हैं उसके सरफेस एरिया को। कह रहा कि डार्सल और वेंट्रल दोनों तरफ का अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसकी को हम क्या कहते हैं सरफेस एरिया उसका। अगर एपिकल सिर्फ हो रहा है तो प्राइमरी था, सरफेस एरिया भी उसका इंक्रीज हो रहा है। कह रहा कि फेज ऑफ ग्रोथ, कितने फेज हैं ग्रोथ के। कह रहा कि ग्रोथ कर रहा है कि ये कितने, 3 टाइप के ग्रोथ हैं। कह रहा कि जो ग्रोथ का फेज है वो 3 टाइप्स हैं। पहला है मेरिस्टमेटिक, मतलब इसमें सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होता है। दूसरा कह रहा है क्या है, कह रहा है ये कहाँ पाया जाएगा, रूट के टिप पे या शूट के अपेक्स पे। वही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम या शूट एपिकल मेरिस्टम, इसी को हम क्या कहते हैं कि अपेक्स पे पाया जाता है, यही है उसके एपिकल रीजन पे मिलता है, इसी को हम कहते हैं, यही है मेरिस्टमेटिक सेल जो डिवीजन करवाएगा। दूसरा क्या है, अगर डिवीजन हो गई है तो उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट जो होता है इसका मतलब उसका इलांगेशन हो गया। कह रहा है कि जब डिवीजन हो चुकी है तब क्या होगा, इलांगेशन होगा, मतलब उसकी लंबाई बढ़ती हुई जा रही है, इलांगेट करता हुआ जा रहा। कह रहा है यही क्या है प्रॉक्सिमल मेरिस्टमेटिक जोन होता है, यही क्या हो रहा है उसकी इलांगेशन होती चली जा रही है। तीसरा क्या है, इलांगेशन हो गई, मेरिस्टमेटिक हो गई, अब बचा क्या, मैच्योरेशन, मतलब अब क्या होगा, मैच्योर होगा। पहले क्या किया उसने, मेरिस्टमेटिक किया, दूसरा इलांगेशन किया, तीसरा उसने क्या किया, मैच्योरेशन किया। कह रहा यही 3 फेज हैं ग्रोथ के। कह रहा कि इलांगेशन और उसके बाद में क्या होता है, ये अपेक्स पे आप देखेंगे तो वो मैच्योर होता हुआ चला जाएगा। पहले डिवीजन होगा, फिर इलांगेशन होगा, फिर मैच्योरेशन होगा, 3 फेज हैं ग्रोथ के। कह रहा कि मेरिस्टमेटिक फेज में अगर ग्रोथ को देखें तो कई सारे तरीके हैं उसके, कई सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। कह रहा क्या है उसके पास, प्रोटोप्लान कह रहा उसके पास भर भर के मिलेगा। कह रहा है प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, भर भर के मिलेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि लार्ज न्यूक्लियाई भी उसकी मिलेगी। कह रहा है कि जब प्रोटोप्लाज्म उसका ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियाई भी बड़ी मिलेगी। और आगे कह रहा है कि सेलवाल, कह रहा है कि ये कैसा होगा, पतला होगा, किसका बना होगा, सेल्युलोज का, ठीक है, प्लाज्मो डेस्मेटल कनेक्शन होगा, एक दूसरे सेल को जो जोड़ता है बीच में उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मो डेस्मेटल कनेक्शन, प्लाज्मो डेस्मेटा।
ठीक है, कह रहा है कि रिच इन प्रोटोप्लाज्म सबसे ज्यादा होगा, लार्ज न्यूक्लियाई होगी, सेलवाल होगा जो पतला होगा। तीन चीजें लिखिए, प्रोटोप्लाज्म भर भर के मिलेगा, बड़ा सा न्यूक्लियाई मिलेगा और पतला सा सेलवाल मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका डिवीजन हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टमेटिक डिवीजन। कह रहा है कि सेल एलांगेशन में क्या चीजें होंगी, कह रहा है जो वैक्यूल होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। कह रहा है जो वैक्यूल है वो इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा, जब वैक्यूल इंक्रीज होगा उसके पास सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, वो आगे और बड़ा होता चला जाएगा। फिर कह रहा है कि जब उसके वैक्यूल बड़े होंगे तब क्या होगा, सेल इनलार्जमेंट होगा, मतलब सेल भी बड़ा होता चला जाएगा। फिर कह रहा है कि न्यू सेल ये क्या होंगे, डिपॉजिट होने लगेंगे उसके वॉल पे, इस तरीके से उसका चलता हुआ चला जाएगा। कह रहा है वैक्यूल बढ़ेगा फिर सेल वही क्या होगा, जब वैक्यूल बड़े बड़े होने लगेंगे तो उसमें क्या होगा, सेल हमारा जो है लार्ज होता चला जाएगा, जब लार्ज होता चला जाएगा न्यू सेल हमारे आएंगे, वो उसी पे डिपोजिशन करेंगे। इसका मतलब अब ये क्या होगा, थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से कह रहा है कि बनते हुए चले जा रहे हैं, कह रहा है मैच्योरेशन हो करते हैं, मैक्सिमल साइज हो जाता है उनकी, साइज कह रहा है बड़ा होता चला जाता है और क्या होगा, थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। कह रहा था कि मेरिस्टमेटिक में क्या होगा, थिन होगा, इसमें क्या होगा, थिन होगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो होगा उसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा, वहां पे प्रोटोप्लाज्म रिच था, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, इस तरीके से होगा। ये कह रहा कि मिडिल लैमेला है, ये प्राइमरी वाल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कह रहा कि ये प्राइमरी सेल वाल है, ये पेक्टिन लेयर आ जाती है और सेकेंडरी वाल भी स्टार्ट हो जाते हैं जब इलांगेशन होती है तब। दोनों इसका बताइए, बेटा सेकेंडरी ग्रोथ पूछ रहा है, ठीक है। अब बचा क्या, ग्रोथ रेट, ठीक है।